जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे संत्याकूब अध्याय 1 पसंद के 19 और 20। प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करें, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है सुनने में आगे रहो लेकिन बोलने में और क्रोध करने में हमेशा पीछे, क्योंकि हमारा धार्मिकता का रास्ता क्रोधित रास्ता नहीं है। हमारा धार्मिकता का रास्ता व्यभिचार वाला रास्ता नहीं है। हमारा धार्मिकता का रास्ता घमंड वाला नहीं है। धार्मिकता का रास्ता एक पवित्र रास्ता है मेरे भाई और बहनों, प्रेम का रास्ता है, दया का रास्ता है, करुणा कृपा का रास्ता है। लेकिन हमारा रास्ता क्या हो जाता है जब हम क्रोधित से अपने भाई और बहन को कुछ बोलते हैं, वो चोट का रास्ता हो जाता है, उनको चोट पहुंचाते हैं, हम उनके हृदय के अंदर चोट पहुंचाते हैं और वो चोट हमेशा नफरत में बदल जाता है और फिर वो कभी हमसे बात नहीं करते। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का शब्द कहता है कि जब तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हो, तुम्हें याद आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे खिलाफ कुछ है, तो तुम अपने भेंट को वहां रख कर उससे जाकर मेल मिलाप करो। तो मेरे भाई और बहनों, सोचो कि हमारे शब्द के द्वारा हमने कितने लोग को चोट पहुंचाए। मेरे भाई और बहनों, हमें लगता है कि अहंकार में हम जो बोल देते सामने वाले लोग भूल जाते, लेकिन नहीं, वो शब्द उन्हें चोट पहुंचाते हैं। वो भले कहते नहीं लेकिन उनके हृदय के अंदर वो चोट हमेशा रहता है और उस चोट के द्वारा वो नफरत पैदा होता है और हमारा रास्ता पूर्ण रूप से अलग हो जाता है धार्मिकता से। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम उसके द्वारा बने, उसके जैसा बने और उसके धार्मिकता के रास्ते में चले, जो प्रेम वाला रास्ता है, दया वाला रास्ता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अगर चाहता तो उस क्रूस में उस लोगों की ओर देख कर कुछ ना कुछ कहता, लेकिन उसने लोगों की ओर देखकर अपने पिता से कहा, इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं है क्या करते। प्रेमी वाला जवाब उसे समा किया, प्रेम से जवाब दिया। मेरे भाई और बहनों, इसलिए आज हम मुक्त हो चुके हैं हमारे पापों से, हमारे हर एक चीज से, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा, वो प्रेमी बलिदान था। और आज परमेश्वर हमसे यही चाहते कि हम भी एक प्रेम भरा जीवन जिए। तो इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर की तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी सामर्थ हमेशा हमारे ऊपर है और तूने हमें सुबह उठाया है परमेश्वर, हमें और अपने परिवार को तंदुरुस्त रखा। तो परमेश्वर, हम माफी मांगते हैं कि तेरे दया को परमेश्वर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया और अपने शब्द के द्वारा हमने अपने भाई और अपनी बहन को परमेश्वर चोट पहुंचाया है। तो वो सब चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते परमेश्वर कि हम तेरे धार्मिकता के रास्ते में चल रहे थे लेकिन क्रोध, व्यभिचार, अहंकार ने हमें रास्ते से भटका दिया है। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये जो क्रोध हमारे हृदय के अंदर है, हमारे गलत गलत शब्द, मजाक में परमेश्वर हम अपने भाई बहन का मजाक उड़ाते हैं और इस मजाक के द्वारा परमेश्वर उनके हृदय में जो चोट आते हैं, वो सब चीजों को परमेश्वर इस समय हम आपके सिंहासन के सामने लाकर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके सामने समर्पण करते हुए हम माफी मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके हृदय के अंदर वो प्रेम भर कि जो चोट हमने दिया है परमेश्वर, उस चोट को पूर्ण रूप से तेरे प्रेम में बदल। आज परमेश्वर यही लोगों को आपके सामने लाकर हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हुए ये सुबह यही प्रार्थना हम मांगते हैं माता मरियम के मदद से सारे स्वर्गदूत के नाम से, आमेन। जय श्री।